नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है। बीजेपी ने दी विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना। सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी के खिलाफ बीजेपी की सूचना देखने को मिल रही है। दोनों ही विधायकों ने आंसदी के सामने नारेबाजी की है। कार्य संचालन की नियमवाली किताब को भी फाड़ करके फेंक दिया गया है। तो अवमानना को लेकर बीजेपी विधायकों ने कार्रवाई का अनुरोध किया है। बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेसी विधायकों बीजेपी ने दी है विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना। तो भोपाल से ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है। बीजेपी ने दी है विधायकों के खिलाफ इसकी सूचना। महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी की अब मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है। बीजेपी ने इन दोनों विधायकों के खिलाफ इसकी सूचना दी है और अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी अपडेट इस बीच भोपाल से सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है। बीजेपी ने इन दोनों विधायकों के खिलाफ इसकी सूचना दी है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। और जरूर जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी, बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है। बीजेपी ने इसकी सूचना दी है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र है वो अभी स्थगित हो चुका है 13 मार्च तक के लिए, लेकिन विधानसभा के बाहर भी हंगामा थमता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। पिछले दो दिन से जिस तरीके का हंगामा हमें देखने को मिला है, इस दौरान जीतू पटवारी निलंबित हुए। विशेष अगर हम बात करें तो यहाँ पर खासतौर पर कल बीजेपी विधायक दल की शाम को अचानक बैठक बुलाई गई, जिसमें साफ तौर पर ये फैसला हुआ है कि कांग्रेस के दो विधायकों के खिलाफ यहाँ पर जो है नोटिस जारी की जो है हम कह सकते हैं विशेष अधिकार जो अवमानना का नोटिस है वो यहाँ पर देखिए जारी करने की बात बीजेपी ने कही है। साथ ही साथ इस नोटिस पर बीजेपी के 20 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विधायक विजय लक्ष्मी साधो के खिलाफ यहाँ पर विशेष अधिकार अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। देखिए कल सदन का आपको एक वाक्य याद होगा, जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो है उनके हाथ से किताब फिसल गई थी ऐसा उनका कहना था और उसके बाद वहाँ पर जो है इसका विरोध भी कांग्रेस विधायकों ने जताया था, लेकिन इसको लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माफी मांगी थी और खेद भी व्यक्त किया था। लेकिन इसके बाद आसंदी के पास जाकर कांग्रेस ने लगातार विरोध किया था, नारेबाजी की थी और सज्जन सिंह वर्मा ने नियमवाली की किताब को भी फाड़कर फेंका था। इसी को लेकर यहाँ पर पूरा देखिए हम कह सकते हैं बवाल हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी के तमाम विधायकों ने यह तय किया है कि विशेषाधिकार अवमानना का नोटिस इन दोनों ही विधायकों के खिलाफ इन्होंने जारी किया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर जो है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्होंने की जाने की बात भी कही है। देखिए जिस तरीके से कल पूरे सदन में हंगामा हुआ उसके बाद बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस पर पूरे तरीके से काउंटर करने का, क्योंकि वहां पर कल नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो है नाराजगी वहां पर कांग्रेस विधायकों ने जताई थी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने सीधे तौर पर माफी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद बवाल देखने को मिला। जीतू पटवारी इसी कारण जो है इसी नियम के तहत परसों विधानसभा से निलंबित भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगातार जो है तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल सदन में हंगामा हुआ है उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में काफी ज्यादा देखिए आक्रामक स्थिति देखने को मिली है। तो बीजेपी भी यहाँ पर कांग्रेस पर काउंटर करने का कोई हमला नहीं छोड़ रही है। चाहे एक और नरोत्तम मिश्रा पर कल वहां पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के तमाम विधायक नजर आ रहे थे, लेकिन शाम तक तस्वीर पूरी तरह पलट गई और यहाँ पर दूसरा नोटिस बीजेपी ने इन दोनों ही विधायकों के खिलाफ जारी कर दिया है। नोटिस यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है। तो कहीं ना कहीं सदन खत्म हो चुका है। सदन के अंदर तो हंगामा हमें भारी देखने को मिला ही, लेकिन बाहर भी अब सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों के खिलाफ नोटिस तो जारी किया ही गया है, लेकिन अगर
यहाँ पर इस नोटिस पर कार्रवाई होती है। तो जैसा कि जीतू पटवारी के साथ हुआ, जो कि विधानसभा में पहली बार ऐतिहासिक घटनाक्रम था जहाँ पर पहले बार किसी विधायक को ऐसे निलंबित किया गया, तो दो विधायकों पर भी यहाँ पर अब देखिए तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष तरीके से तो देखिए कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना दांव खेल दिया है। और ठीक है, बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।